ये देखिए आज का ये फ्रंट पेज न्यूज है और कुछ कुछ अखबार में तो बड़ा न्यूज है, कुछ अखबार में छोटा न्यूज है, लेकिन ये फ्रंट पेज न्यूज है, हर टीवी चैनल में है। आपको इशारा समझ गया होगा, ये है लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग। एक नई नई दवा अभी लॉन्च हो गई है हमारे देश में, एंड इसका नाम है फेवीफ्लू। फेवीफ्लू फेवीफ्लू ड्रग हमारे देश में लॉन्च हो गया, तो कोरोना को ठीक करने के लिए अब दुकान में मिला करेगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा रहा हूँ, जो प्लीज मेरी तरफ से आप लोगों तक पहुंचाइए। ये जो दवा है फेवीफ्लू है, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। मतलब ये ड्रग क्या करेगा आपके बॉडी में, इसके ऊपर कुछ नहीं पता किसी को, और किसी भी देश में, यहाँ भी यूएस में ने भी इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया, भारत ने एक्सपेरिमेंटल अप्रूव किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब रियल एक्सपेरिमेंट, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, राइट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या होने वाला है। अगर आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर आप इसके, ये 2014 या 13 में ये पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था, अगर उन सब चीजों को देखेंगे तो एक बात सामने आती है कि इससे फीटल डेथ होता है, राइट, फीटल डिस्टर्ब होता है। तो ये जो दवा है जो आज लॉन्च हुई है, ये दवा क्या है, ये अखबार में फ्रंट पेज में है, राइट। कोई भी अखबार खोल लीजिए आज का, फ्रंट पेज में अखबार मिल जाएगा। लेकिन इस फ्रंट पेज के न्यूज में एक चीज छुपाई गई है, वो चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, इस उम्मीद से कि ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जैसे ये वीडियो खत्म हो, आप तुरंत इसको डाउनलोड कीजिए, फिर शेयर कीजिए। पहले शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं बता दूं, विद इन 24 आवर्स, इफ नॉट अर्ली, दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड। जैसे मेरा पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, फेसबुक पेज पूरा डिलीट हो गया, या ट्विटर पूरा डिलीट हो गया, विकीपीडिया पेजेस मेरे थे वो डिलीट हो गए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैं आप बता रहा हूँ वो ये कि 1950 में, 1960s में एक दवा आई थी, उसका उसका नाम था थालीडमाइड। इसका नाम था थालीडमाइड, द नेम ऑफ द मेडिसिन विच केम इन 1950 एंड 1960। और वो मेडिसिन के आने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि 1,23,000 बच्चे डेड पैदा हुए, विच इज कॉल्ड स्टिल बॉर्न, मरे हुए पैदा हुए, साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, राइट। और दूसरी उसकी साइड इफेक्ट थी, जो बच्चे पैदा ठीक से जिंदा पैदा हुए, उन बच्चों की क्या हालत है, वो इस फोटो में आप देखिए कि वो दवा ने क्या किया। ये फोटो ही आपको बयां कर देगी। और ऐसे कितने बच्चे हैं पूरे दुनिया में, ऐसे इस वक्त करीब 24,000 बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होने के बाद उनकी पिक्चर्स हैं, राइट, एज यू कैन सी हेयर, राइट। सो ये है थैलिडोमाइड की दुनिया। और जो साइड इफेक्ट थैलिडोमाइड में थी, जो उस वक्त ड्रग कंपनी ने छुपाई थी, वो ड्रग कंपनी से छुपा देगी। जैसे ये वाली जो दवाई आज लॉन्च हुई है फेवी फ्लू, इसमें अखबार ने छुपा लिया, ड्रग कंपनी ने छुपा लिया इसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन आज के बाद जो लोग ये दवाई लेंगे, और लेने के बाद उसके बाद जब उनके बच्चे होंगे, तो तब साइड इफेक्ट सारे दिख जाएंगे, जो जैसे साइड इफेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और ये साइड इफेक्ट सिर्फ बच्चों को है। मैं आपको बता दूं ये दवाई क्या करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कोरोना वायरस इज ए इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएनए वायरस, इसकी दवा नहीं हो सकती बिकॉज ये म्यूटेट करता है। लेकिन ये जो दवा, ये क्या करता है, ये पूरा जेनेटिक चेंजेस करता है। वो म्यूटेशन के बाद आरएनए जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आपके बॉडी के खुद के आरएनए, उसको भी म्यूटेट कर देता है फोर्सफुली। तो मतलब ये कि आप जेनेटिकली दूसरे इंसान बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई नींव भी हिला दे तो आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो ब्लूप्रिंट है आपकी, वही हिला देती है, जिससे आने वाले समय में देयर इज ए गुड अमाउंट ऑफ चांसेस आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। और अगर आपका कोई संतान होने आने वाला है तो उसको क्या होगा, वो तो मैंने फोटो आपको दिखाई दिया है, राइट। तो ये है कीमत जो इस दवा की आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये जो दवा है, ये दवा नहीं है, ये देश को पैरालाइज करने की एक साजिश है। ऐसा नहीं कि ये दवा क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, वो लोगों को नहीं पता, जो रेगुलेटिंग बॉडी उसको नहीं पता, वो पता है, तभी पूरे दुनिया में किसी भी देश ने इसको कमर्शियली अभी लॉन्च नहीं किया है, भारत ने लॉन्च किया है। तो एक तो भारत ने में क्या हुआ, पहले इकोनॉमिकली क्रैश कर दिया, फिर अब इसको पैरालाइज कर दिया, अब सिटीजन को भी पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है।